एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन विद अ न्यू यूट्यूब वीडियो। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो एज यू पीपल नो कि जीडीएस की फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट जो है काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी और उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं अपनी ज्वाइनिंग को। सो जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द माई साइड। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किस सर्कल से हो और किस शॉर्ट लिस्ट से हो और आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो भी बता देना, ताकि जो आपके रिलेटेड सर्कल के कैंडिडेट्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कमेंट सेक्शन से, तो ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा अनुमान लग जाता है कि हाँ इस सर्कल के इस कैंडिडेट का इस शॉर्टलिस्ट से हो चुका है ज्वाइनिंग तो हमारा इतने टाइम में हो जाएगा। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द अदर कैंडिडेट्स, सो काइंडली शेयर। और जो सेकंड शॉर्टलिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है, मतलब ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल रहे हैं आफ्टर द इंटीमेशन लेटर। और जो थर्ड शॉर्टलिस्ट की अपडेट है, अभी थर्ड शॉर्टलिस्ट के सिर्फ जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वही हुआ है, सारे थर्ड शॉर्टलिस्ट के कैंडिडेट्स इंटीमेशन लेटर का वेट कर रहे हैं। अभी तक थर्ड शॉर्टलिस्ट के किसी भी सर्कल से किसी भी कैंडिडेट का इंटीमेशन लेटर नहीं आया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, जब भी आएगा आई विल श्योरली अपडेट यू ऑल द कैंडिडेट्स विद अ वीडियो ऑन द यूट्यूब, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर हम बात करें तो फोर्थ शॉर्टलिस्ट की, सो इट इज़ वेरी फर्स्ट टाइम की थर्ड शॉर्टलिस्ट आई है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उनकी जगह पे सेकंड शॉर्टलिस्ट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है चांस मिला था, मौका मिला था आगे आने का। और सेकंड शॉर्टलिस्ट में जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनकी जगह पे जो फ्रेशर थे उनको मौका मिला था। देन जो अब थर्ड शॉर्टलिस्ट में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे उनकी प्रेफरेंसेस पे, अगर आप में से जो पेंडिंग अभी रहते हैं जितने भी कैंडिडेट्स, उन पेंडिंग कैंडिडेट्स ने उनकी प्रेफरेंसेस पे अगर अप्लाई किया है, चाहे वो प्रेफरेंस 1 थी, चाहे वो प्रेफरेंस 10th थी, चाहे वो 15th थी, तो आपको वो मौका मिलेगा उस जगह के लिए। देन फोर्थ शॉर्ट लिस्ट के लिए आप लोग अभी वेट करो, इट विल बी कम सून। अभी बोला जा रहा है कि मे बी इट विल बी कम इन द 7 days, सो यू जस्ट नीड टू वेट अ वीक बिकॉज रिमाइंडर आने शुरू हो चुके हैं। और आफ्टर द रिमाइंडर फोर्थ शॉर्ट लिस्ट भी आ जाएगी और जो थर्ड शॉर्ट लिस्ट के कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं अपने इंटीमेशन लेटर का, आपको वो भी आने शुरू हो जाएंगे। सो जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं या प्रोसेस सब हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फ्रॉम द माई साइड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। एंड डू कमेंट्स कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डाउट्स है, और कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना कि आप किस शॉर्ट लिस्ट से हो, अभी आपका एक्चुअल प्रोसेस क्या चल रहा है। और अगर आप वेट कर रहे हो फोर्थ शॉर्ट लिस्ट का, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना, आर यू वेटिंग फॉर द फोर्थ शॉर्ट लिस्ट और आर यू ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर नॉट मी, ऑल द कैंडिडेट्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक विद द न्यू वीडियो, तब तक स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। यहीं जुड़े रहे हमारे साथ, डू सब्सक्राइब।